So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी guidelines, rules और regulations आएंगे government की तरफ से, उनको भी इसी तरह से support किया जाएगा, with all due respect. Excuse me, can you give me one Chinese hakka? अरे वो मैडम, क्या कर रही हैं आप? आपको पता नहीं है, सारी चाइनीज आइटम बैन हो चुकी है, सारे ऐप टिकटॉक भी बैन हो चुका है, और आप चाइनीज हक्का नूडल मांग रही है? अच्छा, आज के बाद कसम खाइए, कोई भी हिंदुस्तानी चाइनीज हक्का नूडल नहीं खाएगा. हेलो एवरीवन, मैं हूँ अश्नूर कौर. एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज एप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट. क्योंकि ये जो सारे एप्स थे, बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का. एंड यू नो, दिस वॉज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम. सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में, वो अभी हट गया है. सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स. हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज ऐप्स यूज़ करते थे. सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल. जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें. ऑल्सो येस, एज एक्टर्स योर फैंस एक्सपेक्ट यू टू बी एक्टिव ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है, तब से आई हैव बीन अवॉइडिंग इट. एंड नाउ दैट दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, आई एम टोटली गोना ऑब्लाइज टू इट, टोटली गोना फॉलो इट. And I want to encourage all of you as well to please follow it. And really proud to be an Indian citizen. Your country comes first, India comes first. And really proud of this decision taken by the government. Jai. टिकटॉक बैन करने पे मैंने सरकार से पूछा कि सर आपने अचानक टिकटॉक बैन कर दिया, सोचा भी नहीं उन बेचारे टिकटॉकर्स का क्या होगा, उनका तो बुरा हाल हुआ होगा, कोरोना से ज्यादा तो केसेस अब उनके आएंगे, प्लीज आपने क्यों किया, टिकटॉक को बैन क्यों किया? तो सरकार ने जवाब दिया, मित्र टिकटॉक को बैन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें 20 करोड़ हमारे मित्र उसमें रोज रोज वीडियो चार चार बना के डाल रहे थे, चार चार वीडियो रोज बना के डाल रहे थे. टिकटॉक का मिसयूज हो रहा था. मिसयूज कैसे? 20 करोड़ मित्र थे, उसमें आधे लड़कियां थी, फीमेल. आर यू फाइन? ऐप बैन हुए हैं 59. आर यू फाइन? ऐप 59 ऐप. ओह, बेचारे उन लोगों का क्या होगा जो जिनको ऐप का ऐप था, वो तो यही गाना गा रहे होंगे, ऐप तेरे बिन जी लेंगे हम, वीडियो गेम पबजी ना खेलेंगे हम, हो स्वदेशी का अब हमको ज्ञान हुआ, 59 ऐप चाइना का बैन हुआ. मेड इन इंडिया, नो मेड इन चाइना. मेरे घर पे चाइना की एक मेड थी, उसको मैंने आज